हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 19 नवंबर 2022 और हर रोज़ की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2023 को लेकर इसके साथ ही आईपीएल की सभी 10 की 10 टीमों के रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स हमारे सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत सारी बड़ी टीमों के साइड से बहुत सारी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली हैं, तो सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की सबसे पहली अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। और ये अपडेट निकल कर आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की साइड से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफर गया था सुरेश रैना की तरफ, जहां पर सीएसके की टीम चाहती थी कि सुरेश रैना इनकी टीम की प्लेइंग 11 में तो अब जगह नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो इनकी टीम के कोचिंग स्टाफ के तौर पर जुड़ जाएं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के काफ़ी सारे ऐसे फैंस हैं जो कि सुरेश रैना की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में सुरेश रैना को ये ऑफर गया था, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सुरेश रैना ने चेन्नई सुपर किंग्स के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि रैना का मानना था कि अगर वो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के कोच बन जाते हैं तो फिर वो किसी भी तरीके की क्रिकेट में खेलने के लिए एप्लीकेबल नहीं रहेंगे बीसीसीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग। और ऐसे में उन्होंने ये बात ज़्यादा बेहतर समझी कि वो अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू रखें और उन्होंने T10 लीग के लिए रजिस्टर कर लिया। तो इन सब रीजंस के चलते हुए सुरेश रैना ने सीएसके को मना कर दिया कोचिंग डिपार्टमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है कैमरन ग्रीन के रिगार्डिंग, जहां पर एक तरफ सारी की सारी आईपीएल टीमों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ हमें देखने को मिल रहा है कैमरन ग्रीन का, वहीं ग्रैम स्वान ने कहा है कि कैमरन ग्रीन के ऊपर ज़्यादा बड़ी बिडिंग नहीं होनी चाहिए। इनके अकॉर्डिंग कैमरन ग्रीन ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खुद को इतना ज़्यादा प्रूव नहीं किया है कि उनको अचानक से रातों रात आईपीएल का स्टार बना दिया जाए और 15 से 17 करोड़ रुपये उनके ऊपर लुटा दिए जाएँ। इनके अकॉर्डिंग इनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हमें ऑक्शन में देखने को मिलने वाले हैं, और ऐसे में इनको लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे अगर कैमरन ग्रीन के ऊपर हमें इतनी बड़ी बिडिंग देखने को मिलती है। कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग ग्रैम स्वान के स्टेटमेंट से सहमत हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की तीसरी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट अगर आप लोग मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा खुश करने वाली है, क्योंकि ये अपडेट निकल कर आ रही है जोफ्रा आर्चर के रिगार्डिंग। आर्चर की फिटनेस ने मुंबई इंडियंस के फैंस को और खुद मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि लास्ट साल ये नहीं खेले थे अपने फिटनेस के इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अब फाइनली इस साल भी इनके खेलने के ऊपर बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि शायद ये इस बार भी खेलने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप लोग मुंबई इंडियंस के फैंस हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि जोफ्रा आर्चर इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना रिटर्न जनवरी महीने के अराउंड करने वाले हैं। और ऐसे में अब 100% बातें जो हैं वो कन्फर्म हो चुकी हैं कि मुंबई इंडियंस की टीम में रिटर्न करेंगे आईपीएल 2023 में। तो दोनों ही जसप्रीत बुमराह और उनके साथ ही जोफ्रा आर्चर आप लोगों को आईपीएल 2023 में खेलते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल के रिगार्डिंग, जहां पर गाइस ग्लेन मैक्सवेल की आपने आपको बताया था कि किस तरीके से लेग इंजरी हुई थी और उसके बाद उनकी सर्जरी की प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई थी। इसके बाद हमने आपको कहा था कि किस तरीके से इनके रिकवरी की प्रोसेस आगे जाती है, उसके हिसाब से ही ये फैसला हो पाएगा कि मैक्सवेल का आईपीएल का सीन क्या रहता है। और अब फाइनली इनकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसके अकॉर्डिंग ग्लेन मैक्सवेल पहले 5 से 6 आईपीएल के मुकाबलों को स्किप करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अगर इनकी रिकवरी बेटर देन एक्सपेक्टेड रहती है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आपकी रिकवरी जो आपको टाइम दिया जाता है उससे पहले ही हो जाती है, तो उस केस में फिर ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को आईपीएल के पहले मुकाबले से ही अवेलेबल रहते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर इनकी रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर ग्लेन मैक्सवेल कम से कम 5 से लेकर 6 मुकाबले, यानी कि एक तरीके से अगर आप लोग आधा आईपीएल बोलो तो शायद गलत नहीं होगा, आधा आईपीएल आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल 2023 का स्किप करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की पांचवी बड़ी अपडेट के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमें देखने को मिली है। बीसीसीआई की साइड से बहुत ही बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, लेकिन इन डिसीजन में जो सबसे बड़ा डिसीजन है वो यही है कि अब भारत का जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें आप लोगों को स्प्लिट कैप्टनसी देखने को मिलेगी। अभी तक हमें ये चीज़ें देखने को मिलती थी कि एक ही कैप्टन होता था, चाहे टेस्ट फॉर्मेट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो। पहले हमने विराट के साथ सेम चीज़ देखी थी, फिर ये चीज़ रोहित शर्मा के साथ भी कर दी गई थी, लेकिन अब रोहित शर्मा को T20 फॉर्मेट से हटाने की पूरी प्लानिंग फाइनल हो चुकी है। शायद जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये चीज़ फाइनल हो भी गई होगी और अनाउंस भी हो जाएगी कि रोहित शर्मा को अब T20 फॉर्मेट की कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, और उनकी कैप्टनसी के तौर पर हार्दिक पांड्या आप लोगों को भारत की टीम के कैप्टन बनते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो T20 वर्ल्ड कप 2024 होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है, और अब उसमें हार्दिक पांड्या को सेंटर पर रखते हुए उनके अकॉर्डिंग टीम बिल्ड की जाएगी, ना कि सीनियर प्लेयर्स जैसे कि रोहित शर्मा और उनके साथ ही विराट कोहली को ध्यान में रखते हुए। कॉमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग बीसीसीआई के इस डिसीजन से सहमत हैं या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के दिन की छठी बड़ी
बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है IPL की मोस्ट पॉपुलर टीमों के रिगार्डिंग, जहां पर एक सर्वे करवाया गया था जिसमें जो हमने देखे थे कि इस वीक हमें रिटेंशन प्रोसेस भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में अक्टूबर 2022 में सबसे ज़्यादा पॉपुलर IPL टीमों की लिस्ट निकाली गई थी, और इसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम नंबर 1 पोजीशन पर रही, जहां पर 59.6 मिलियन इंप्रेशंस RCB की टीम को आए। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम, जिनको 34.4 मिलियन इंप्रेशंस आए। इनके बाद तीसरे नंबर पर है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम, जिनको 33.2 मिलियन के मेंशंस आए। उसके बाद यहां पर केरला ब्लास्टर्स की टीम हमें देखने को मिलती है, जो कि दूसरे स्पोर्ट से बिलोंग करती है, तो इनको 24.7 मिलियन मेंशंस आए। और उसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पांचवें नंबर पर आती है, जिनको 8.62 मिलियन के मेंशन हमें देखने को मिले। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की सातवीं बड़ी अपडेट के बारे में, और ये अपडेट निकल कर आ रही है IPL की ट्रेड विंडो के रिगार्डिंग, जहां पर गाइस हमने आपको बताया था कि IPL की जो ट्रेड विंडो है उसको रिटेंशन प्रोसेस के दौरान कुछ दिनों के लिए पॉज कर दिया गया था, क्योंकि जितने भी प्लेयर रिटेन्ड और रिलीज्ड हुए थे उन सभी की BCCI को एक तरीके से उनका डाटा कलेक्ट करना था। लेकिन अब फाइनली IPL की जो ट्रेड विंडो है उसको वापस से रिज्यूम कर दिया गया है, और ये ट्रेड विंडो आप लोगों को IPL की नीलामी तक चलते हुए नजर आएगी। उसके बाद IPL की नीलामी के लिए एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगी, और उसके बाद वापस से रिज्यूम हो जाएगी, जो कि नीलामी के बाद वाली ट्रेड विंडो होती है। तो अभी ये जो ट्रेड विंडो चल रही है इसमें रिटेन्ड और रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट आने के बाद अगर किसी टीम को लगता है कि उन्होंने अपनी टीम में किसी ऐसे प्लेयर को रिटेन कर लिया है जिसको वो अपनी टीम से बाहर करना चाहते थे या फिर रिलीज करना चाहते थे, तो उनको वो ट्रेड विंडो में किसी दूसरी IPL टीम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जिस भी IPL टीम ने अपनी टीम से किसी प्लेयर को रिलीज कर दिया था उस रिलीज प्लेयर के ऊपर अब उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है, यानी कि इन प्लेयर्स को ट्रेड नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रिटेन प्लेयर्स के बीच में ही आप लोगों को इस ट्रेड विंडो में ट्रेड होते हुए देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस और बात करते हैं हमारे आज के दिन की आठवीं और आखिरी अपडेट के बारे में, और ये एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट BCCI की साइड से की जा चुकी है, जहां पर अनाउंसमेंट तो नहीं है बल्कि BCCI ने भारत का जो सिलेक्शन कमेटी थी उसको पूरा का पूरा निकाल दिया है, यानी कि फायर कर दिया है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि उनको सीधे सीधे सैक कर दिया है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो फैंस थे वो भी चाहते थे, काफ़ी सारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी चाहते थे कि जो सिलेक्शन कमेटी है वही सबसे ज़्यादा गलत डिसीजंस ले रही है भारतीय क्रिकेट के रिगार्डिंग। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो चेतन शर्मा जो थे जिनके टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते रहे उनको भारत की टीम से निकाला जा चुका है। और उसके बाद BCCI ने ये भी बता दिया है कि एप्लीकेशंस को उन्होंने ओपन कर दिया है, और ऐसे में भारत के नेशनल सेलेक्टर के तौर पर आप लोगों को जल्दी ही नई अपॉइंटमेंट होते हुए देखने को मिलेंगी। और इसमें 5 नेशनल सेलेक्टर्स को जनवरी 2023 से पहले पहले फिल किया जाएगा। ऐसे में अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन भारत का अगला सेलेक्टर बनता है, क्योंकि यही बात अब तय करेगी कि 2023 और 2024 वर्ल्ड कप में भारत की टीम क्या होगी। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।